तो चलिए आइए, प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फन विद फिजिक्स में। ठीक है, और आपको पता होगा जैसे अभी जो पिछले वाली जो वीडियो है उसमें हम अभी, अगर आप लोग जो भी नहीं देख के है ना पहले वाली वीडियो हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक वाली, तो पहले देख के आ जाओ यार। ठीक है, उसके बाद सर यहाँ पे आओगे मजा आएगा, है ना। तो चलो आओ यार, इस वाली वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, बेसिकली इस वाली वीडियो में हम थोड़ा सा जो कूलॉम लॉ अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं, तुमको याद है यार कूलॉम लॉ की मैंने स्टेटमेंट भी नहीं बताई थी तुमको। कूलॉम लॉ का जो है ना मैंने मैथमेटिकल जो फॉर्म है वो भी तुमको बताया नहीं था, उससे पहले ही मैंने सवाल बना दिए थे चार, है ना। बोल पक्की बात एकदम, तो क्या तुम अभी वो सवाल बना सकते हो ना, एकदम पक्की बात है। जो लोग को नहीं पता मैं किस बारे में बात कर रहा हूं, पहले जाओ पिछली वाली वीडियो देख के आ जाओ यार, बहुत आनंद आएगा तुमको। ठीक है, तो इस वाली वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, बेसिकली जो कूलॉम लॉ की जो मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन मैंने तुमको बता दी थी, दैट एफ इज इक्वल टू के क्यू वन क्यू टू बाय आर स्क्वायर, वेर के वॉज द कॉन्स्टेंट एंड दैट वॉज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट विच वॉज हैविंग द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 9.1 × 10⁻¹। बोल पक्की बात, और इट वाज समथिंग यार 9 × 10⁻¹ जो भी था। चलो अब कोई बात नहीं यार, चलो देखते हैं थोड़ा सा, है ना। तो इस वाली वीडियो हम क्या करने वाले हैं यार, इस वाले वीडियो में बेसिकली हम वो जो कूलॉम लॉ है ना उसी के ऊपर बेस कुछ सवाल करने वाले हैं, बिल्कुल एकदम स्क्रैच से उठाऊंगा और फिर आगे तक उसको हम लेके चले जाएंगे। बाकी जो भी इस चैनल पर पहली बार आए हैं आप सभी से मेरी दरख्वास्त है कि कृपया करके हमारे चैनल पर फिजिक्स को यार सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ भी इन वीडियोस को शेयर करो ताकि आपके दोस्त भी बड़े ढंग से प्रिपरेशन कर पाए। ठीक है, चलो आओ यार, बिल्कुल देखो बिल्कुल बेसिक से उठाता हूं यार, तुमको थोड़ा सा रिविजन वाली भी फील आ जाएगी उसमें, है ना। अच्छा देखो, मैं बोलूं एक चार्ज Q1 है ना, मैं बोलूं एक चार्ज Q2 है, दोनों के बीच की दूरी अगर R है, मैं बोलूं Q2 पर फोर्स बताओ Q1 की वजह से, तो तुम क्या लिखोगे कि फोर्स ऑन टू ड्यू टू वन विल बी इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। कैसे लिखोगे तुम, अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं तो क्या यही फोर्स आने वाला है, सोच लो, एकदम पक्की बात है। यहां पर अभी जो सवाल करूंगा मैंने कुछ उनमें से मैग्नीट्यूड की सिर्फ बात करूंगा मैं इसके अंदर, ठीक है। डायरेक्शन निकालना सीखेंगे जब हम वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलॉम लॉ देखेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ इतना ही, बोल पक्की बात कैसे लिखा जाता है, सोच लो। अच्छा सुनो, चलो यार थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, ध्यान से सुनना एकदम, ठीक है। सुन सवाल सुन, देखो मैं तो बोलता हूँ सवाल सुनने के बाद वीडियो को पॉज कर दे यार, खुद से ट्राई करो, तुमको फील आएगी अच्छी, ठीक है। एक ट्राइंगल है यार, ठीक है, एक ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स बराबर हैं। बोल पक्की बात क्या कहते हैं इसे ट्राइंगल को, इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं, जिसके तीनों साइड्स बराबर होते हैं, ठीक है। ये लो आ जाओ, मैं बोलता हूँ चलिए साइड ए है, ये साइड क्या है, ए है। पक्की बात, मैंने बोला कि चल यहां पर एक चार्ज रखा है क्यू, यहां पर भी एक चार्ज रखा है क्यू, यहां पर भी एक चार्ज रखा है क्यू, तो तुमको सवाल क्या बोला गया, ठीक है। एक ऐसी ट्राइंगल जिसके तीनों साइड्स बराबर, एक साइड मैंने दे दी, तुम्हारे तीनों साइड मैंने दे दी, ठीक है। तुमको क्या बोला गया, तुमको बोला गया कि फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी ऑफ दीज चार्जेस, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी ऑफ दीज चार्जेस ड्यू टू द रेस्ट ऑफ द टू चार्जेस, ड्यू टू द रेस्ट ऑफ द टू चार्जेस, ओके। फाइंड द फोर्स ऑन एनी ऑफ द चार्ज, एनी ऑफ द चार्ज ड्यू टू रेस्ट ऑफ द चार्जेस, ड्यू टू रेस्ट ऑफ द चार्जेस, ओके। चलो वीडियो को यहीं पे पॉज करो, खुद से ट्राई करो, ठीक है, मजा आएगा तुमको। बेटा ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट है यार, सवाल का होना ना होना वो बाद की बात है, बट ट्राई करना बहुत इंपॉर्टेंट, ट्राई करने से कभी डरे नहीं, ठीक है। तो वीडियो को यहीं पर पॉज करो, जरा सोचो थोड़ा सा इस बारे में कैसे होना चाहिए, फिर मैं जरा करवाता हूं, ठीक है। अच्छा सुनो, आ जाओ देखो हम करते हैं सॉल्व। मुझे आशा है कि आप लोगों ने वीडियो को पॉज किया होगा, खुद से ट्राई किया होगा, और उसके बाद हम सवाल को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा आ जाओ सुनो, एक ध्यान से सुन। अच्छा ये वाला चार्ज कैसा है, पॉजिटिव, तुमको मैंने बता रहा था पहली वाली वीडियो में, जब तक मैं नेगेटिव साइन का इस्तेमाल ना करूं तब तक आपको कैसा मानना है, पॉजिटिव है। ये भी कैसा है, पॉजिटिव है। ये भी कैसा है, पॉजिटिव है। तो इन दोनों चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो इनके बीच में क्या होने वाला है, प्रेम होने वाला है कि दुश्मनी होने वाली है, दुश्मनी होने वाली है। तो अगर मैं बोलता हूं चलिए इस वाले चार्ज के ऊपर फोर्स निकालता हूं मैं बाकी दो के वजह से, बोल पक्की बात एकदम, तो ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को क्या बोलेगा कि भाग जा, क्या बोलेगा, भाग जा। तो मैंने बोला चलिए फोर्स है कुछ एफ, पक्की बात सोच ले। अच्छा सुन, तो ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, तो ये वाला चार्ज इसको क्या बोलेगा कि तू भाग जा, क्या बोलेगा कि तू भाग जा। तो ये फोर्स भी कितना आया, एफ, पक्की बात है, सोच लो, घबराए तो नहीं हो तुम। अच्छा सोच यार, तो इस वाले फोर्स की, ये वाले फोर्स की अगर मैं मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन लिखना चाहूं तो ये वाला फोर्स बेसिकली क्या आने वाला है, ये फोर्स ऐसा आने वाला है के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। कैसा आने वाला है ना, दोनों चार्ज क्यू थे तो क्यू स्क्वायर हुआ, बीच की दूरी ए थी तो ए स्क्वायर हो गया। बोल पक्की बात एकदम। अच्छा सोच, ध्यान से सोच, मेरे को एक बात बता, जो ऐसी ट्राइंगल जिसमें तीनों साइड बराबर हो तो क्या तीनों एंगल भी बराबर होते हैं,
और जो ट्राइंगल के तीनों कोणों का योग होता है वो 180 होता है, तो तीनों एंगल का जो योग आगे कितना आएगा 60 डिग्री आ जाएगा, फिर सारे एंगल कितने आ जाएंगे 60 डिग्री आ जाएंगे। तो सोच ध्यान सोच, ये वाला जो एंगल है, ये वाला एंगल कितना है, ये भी 60 डिग्री है, ये भी कितना है 60 डिग्री है, बोल पक्की बात एकदम। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये एफ का कॉस 60, ये एफ का कॉस 60 और ऊपर की तरफ एफ का, ऊपर की तरफ एफ का साइन 60, बोल पक्की बात। जिसने ये, जिसको ये नहीं करना आता है वो सबसे पहले जाए हमारी वीडियो देख के आए वेक्टर वाली, उसके बारे में समझ आएगा कि मैंने क्या करा है, बोल पक्की बात है। सोच लो, अच्छा सोच ध्यान से, सोच ध्यान से सोच। देख इस वाले फोर्स का मैं मैग्नीट्यूड निकालना चाहूं तो इस वाले फोर्स का भी मैग्नीट्यूड कितना आएगा, इस वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, क्योंकि बीच की दूरी तो कितनी है, अभी भी ए ही है, दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड कितना है, अभी भी क्यू ही है, तो दोनों यार भैया तो दोनों फोर्सेस बराबर आ गए, ये तो दोनों फोर्सेस बराबर आ गए। और ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि ये चार्जेस कैसे हैं, सेम है, इनके बीच की दूरी कैसी है, सेम है, इसलिए दोनों फोर्सेस कैसे आए, बराबर आए, ठीक है। अच्छा सुन, ये वाला एंगल भी कितना है 60 डिग्री, ये वाला एंगल भी कितना है 60 डिग्री, तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री, और ये एफ का कौन सा, ये एफ का cos 60, ये एफ का cos 60 और ऊपर की तरफ इस एफ का sin 60, ऊपर की तरफ इस एफ का sin 60। तो ध्यान से देख, तो cos 60 के जो कंपोनेंट थे दोनों फोर्सेस के कैंसिल हो गए, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड दोनों का कैसा है, बराबर है, दोनों का मैग्नीट्यूड कैसा है, बराबर है, डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, डायरेक्शन कैसी है, अपोजिट है, तो दोनों फोर्सेस के जो एफ cos 60 है वो कैसे हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और दोनों के जो एफ sin 60 है वो कैसे हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे बेसिकली। तो एफ नेट अगर मुझे लिखना हो, अगर मुझे एफ नेट अगर लिखना हो तो एफ नेट तो भाई साहब इतना आ गया, एफ नेट तो कितना आ गया, इतना आ गया 2 times एफ साइन ऑफ 60 डिग्री, कितना आ गया 2 times एफ साइन ऑफ 60 डिग्री, तो ये तो कितना आ गया 2 into एफ की वैल्यू, एफ की वैल्यू ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये रहा क्या आया के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, बोल पक्की बात है एकदम, कहते घबरा तो नहीं गए हो तुम, सोच लो मैंने कुछ गलत तो नहीं करा है अब तक, सही से चल रहा है ना मामला, सही से चल रहा है एकदम, पक्की बात है। और बता साइन 60 की वैल्यू से तुम बोलोगे बोलो कितना आएगा, √3/2, 2 ने 2 को मार दिया, तो एफ नेट कितना आ गया रे, एफ नेट कितना आ गया, एफ नेट आ गया क्या √3 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, कितना आ गया के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, बोल पक्की बात है, सोच लो तुम घबराए नहीं हो अभी तक, एकदम पक्की बात है। अगर तुमको कोई डायरेक्शन भी पूछ लेगा तो डायरेक्शन बताना भी अपने लिए कौन सी बड़ी बात है, ध्यान से सोच ध्यान से सोच ध्यान से सोच। अगर मैं इस एक्सिस को आई बोल दूं, इसको जे बोल दूं, इसको के बोल दूं, तो तुम्हारे फोर्स की डायरेक्शन क्या थी, तुम्हारे फोर्स की डायरेक्शन तो ये थी, क्या थी तुम्हारे फोर्स की डायरेक्शन, ये थी, और ये वाली डायरेक्शन कौन सी है, जे है, तो एफ नेट किस दिशा में आया मेरे पास, जे दिशा में, किस दिशा में आया, जे कैप दिशा में, बोल पक्की बात एकदम, तुम घबरा तो नहीं गए हो, सोच लो ये एक्स था ना, ये वाई था और ये जेड था, तो वाई के साथ तो जे कैप होता है, जिसको भी ये नहीं पता है वो वेक्टर वाली वीडियो देख के आओ, मजा आएगा तुमको, ये आ गया नेट फोर्स, बोल पक्की बात है, तुम कतई नहीं घबराए हो, सोच लो, चलो आओ देखो जरा, देखो ये सब उतारना तुम, उसके पहले देखो एक सवाल सुनो, ये रहा सवाल, देखो क्या सवाल है, ये सवाल है, देख ये सवाल, ये तो थोड़ा थोड़ा रेक्टेंगल जैसा बन गया, अपन इसको स्क्वायर बनाते हैं थोड़ा सा, देख थोड़ा सा स्क्वायर बनाते हैं इसको, है ना, ये आया, ये तो थोड़ा सा स्क्वायर वाली फीलिंग आ रही, नहीं आ रही यार, आ रही है ना, ये रही, देखा अब थोड़ा स्क्वायर जैसा लग रहा है, तो मैंने बोला कि चलो एक स्क्वायर है, इसकी साइड मैंने तुमको ए दे दी, क्या दे दी तुमको, ए दे दी, पक्की बात। और सुन, यहाँ पे एक चार्ज क्यू है, 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 सोच लो एकदम पक्की बात है, कतई नहीं घबरा रहे हो तुम, ऐसा कुछ है, ठीक है, तुमको बोला गया कि फाइंड द फोर्स, लिखो लिखो लिखो, फाइंड द फोर्स ऑन एनी ऑफ द चार्जेस, फाइंड द फोर्स ऑन एनी ऑफ द चार्जेस ड्यू टू रेस्ट ऑफ द चार्जेस, ड्यू टू रेस्ट ऑफ द चार्जेस, माने कि ये चारों में से किसी भी एक चार्ज पे आपको फोर्स बताना है बाकी के तीन चार्जेस की वजह से, तो क्या तुम बता सकते हो, सोच लो एकदम पक्की बात है, चलो इस सबको उतारो तुम एक बार ढंग से और फिर सवाल को ट्राई करो, उसके बाद फिर वीडियो को आगे रिज्यूम करना, चलो उतारो जरा एक बार इसको आगे, चलो जाओ, तुमने नोट किया था है ना, ऐसा ही कुछ सवाल था ना, देखो 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 मैं सही कर रहा हूं ना, आ जाओ, क्या था ये, क्यू था, ये भी क्यू था, ये भी क्यू था और ये भी क्यू था, और ये साइड कितनी दी हुई थी तुमको, ए दी हुई थी, मैं बोलता हूं चलो यार मैं इस वाले चार्ज पर फोर्स निकाल लेता हूं, ठीक है, तो मैं बोलता हूं चल इस वाले की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो ये रहा एफ, है कि नहीं यार, और इस वाले की वजह से जो फोर्स लग रहा है वो ये रहा एफ, और मैं दोनों को क्यों बराबर बराबर बोल रहा हूं, क्योंकि दोनों चार्ज कैसे हैं, मैग्नीट्यूड में बराबर है, और दोनों के बीच की दूरी भी कैसी है, सब सेम है, इसीलिए मैंने दोनों को कितना बोल दिया, एफएफ बोल दिया, बोल पक्की बात एकदम, तुम कतई घबराए नहीं हो ना, ध्यान सोच, तो एफ कितना आया, एफ आया के
क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, और दोनों फोर्सेस की देखो दिशा अलग अलग है तो क्या मुझे सेम सेम ढंग से एकदम ऐसे जोड़ देना चाहिए, वेक्टर की तरह जोड़ना चाहिए, वेक्टर की तरह जोड़ना चाहिए। और वेक्टर का जो रिजल्टेंट आता है तुमको याद होगा, हमारी वीडियो देख के आओ तुमको पता चलेगा, जो एफ नेट आता है रिजल्टेंट वो ऐसा लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है, एफ वन स्क्वायर प्लस एफ टू स्क्वायर प्लस टू एफ वन एफ टू कॉस ऑफ थीटा। और ये थीटा क्या होता है, दोनों वेक्टर्स के बीच में बनने वाला एंगल, कितना होता है दोनों वेक्टर के बीच में बनने वाला एंगल। बोल पक्की बात एकदम, कभी घबराए नहीं हो तुम। और सुनो यार देखो जरा, तो अपन निकालते हैं अपना एफ नेट कितना आने वाला है दोनों फोर्सेस का, ठीक है। अभी तक मैंने इस वाले फोर्स की तो बात भी नहीं करी, इस चार्ज की वजह से जो फोर्स आने वाला है उसकी बात अभी तक मैंने करी नहीं है, ठीक है। मैं इन दोनों चार्जेस की बस बात कर रहा हूं, तो देख जरा ध्यान से देख क्या आया, ये कुछ ऐसा आया, कुछ ऐसा आया। तो कितना आया देख, दोनों की दोनों तो फोर्सेस बराबर बराबर है ना, तो बस इसकी जगह पे F1 की जगह पे भी क्या रख दूंगा, F रख दूंगा, F2 की जगह पे भी क्या रख दूंगा, F रख दूंगा। तो ये आ जाएगा क्या, 2F स्क्वायर प्लस 2F स्क्वायर और cos 90, cos 90 इज जीरो, cos 90 इज जीरो। तो ये वाली टर्म तो कैसी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, वाली टर्म तो कैसी हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो मेरे पास वैल्यू कितनी आ गई एफ नेट की, आ गई अंडर रूट 2F, कितनी आ गई अंडर रूट 2F। पर क्या यही मेरा एफ नेट है फाइनल, तो देखो मैं इसको एफ डैश बोल देता हूं, ठीक है, क्योंकि मेरा फाइनल नहीं है। बोल पक्की बात एकदम फाइनल ये नहीं है, क्यों फाइनल नहीं है, बोल क्यों फाइनल नहीं है, क्योंकि इस वाले फोर्स की अभी चर्चा नहीं हुई है। तो तुमने अभी तक क्या निकाला है, तुमने अभी तक ये निकाला है, तुमने तक क्या निकाला अभी तक, ये निकाला क्या है, ये क्या है एफ डैश नेट, ये क्या है एफ डैश नेट। और तुम्हें क्या निकालना है, एफ नेट निकालना है। एफ नेट कब आएगा, जब इसका भी साथ में जोड़ लोगे। बोल पक्की बात, और देख दोनों की दिशा कैसे आने वाली है, सेम आने वाली है, दोनों की दिशा कैसे आने वाली है, सेम आने वाली है। और ये सिर्फ तभी हो रहा है जब एक स्क्वायर है, अगर ये एक रेक्टेंगल होता तो ऐसा पॉसिबल नहीं था, तभी सवाल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट हो जाता, ठीक है, वो भी हम करेंगे, कोई टेंशन नहीं उसके अंदर, है ना। आओ सुनो जरा, तो अगर मेरे को फाइनल फोर्स अगर निकालना है, ठीक है, इस वाले फोर्स को मैं बोल देता हूं, चलो एफ थ्री बोल देता हूं, क्या बोल देता हूं इसको, एफ थ्री बोल देता हूं। जो मेरा जो फाइनल जो फोर्स आने वाला है एफ नेट, जो मेरा जो फाइनल फोर्स आने वाला है एफ नेट, वो क्या आने वाला है, दिस एफ थ्री प्लस एफ डैश नेट, क्या यही आने वाला है, सोच लो एकदम पक्की बात है। चलो मेरे को एफ थ्री लिखवाओ, एफ थ्री कितना आने वाला है, के, क्या आने वाला है, के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय इनके बीच की दूरी का स्क्वायर। बोलो दूरी कितनी, बोलो दूरी कितनी, ये ए, ये ए, ये तो कितनी आई, अंडर रूट टू ए। क्यों अंडर रूट टू ए, क्योंकि पाइथागोरस लगा दिया यार, है ना, पक्की बात एकदम। अच्छा सोच, अंडर रूट टू ए का होल स्क्वायर प्लस एफ डैश नेट, एफ डैश नेट तुम पहले से निकाले बैठे हो, आ जाओ, तो ये आ गया अंडर रूट टू, और एफ की वैल्यू कितनी आ गई, ये आ गई के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। ध्यान से देख क्या आया तेरे पास, ये आ गया क्या आ गया, के स्क्वायर को कॉमन ले लू, के क्यू स्क्वायर को, के क्यू स्क्वायर कॉमन आया और नीचे से ए स्क्वायर कॉमन आया, अंदर क्या बचा, यहां बचा 1/2 प्लस अंडर रूट टू। क्या तुम्हारा ऐसा ही आ रहा था, जी जिसका ऐसा आ रहा था उसका सही आ रहा था, बाकी सबका गलत आ रहा था यार, एकदम पक्की बात है, देख लो पक्की बात एकदम सही करा मैंने, सही करा है एकदम पक्की बात है। और सुन, और सुन कुछ सवाल सुन, है ना, कुछ लल्लू लल्लू सवाल देखते हैं, उसके बाद फिर कुछ बढ़िया सवाल करेंगे, है ना। देख ध्यान से सुन, मैंने बोला कि ये एक स्क्वायर है, ये क्या है, एक स्क्वायर है, ओके कोई बात नहीं, ये चार्ज है क्यू, ये भी कोई चार्ज है, ये भी कोई चार्ज है, ये भी कोई चार्ज है, और ये इनके बीच की क्या है, दूरी है, ये क्या है, इनके बीच की दूरी है। मैंने तुमको क्या बोला कि मैंने इसके सेंटर पर, स्क्वायर के सेंटर पर मैंने एक चार्ज रख दिया क्यू, मैंने क्या रख दिया, एक चार्ज रख दिया क्यू, मैंने बोला इस क्यू पर फोर्स बता, है ना, फोर्स, फोर्स ऑन दिस क्यू, है ना, येलो वाले से जो मैंने दिखाया है ना, फोर्स ऑन दिस क्यू कितना आने वाला है, ओरली बोल ध्यान से सोच कितना आया, बोल कितना आया, जीरो आया। देख जीरो कैसे आया, देख ध्यान सुन, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को क्या बोलेगा, तू भाग जा, क्या बोलेगा, तू भाग जा। और देख दोनों के बीच में कुछ तो फोर्स लगने वाला है, पक्की बात है, वो किस पर डिपेंड करता है, इन दोनों चार्जेस के मैग्नीट्यूड पर डिपेंड करता है, और किस पर डिपेंड करता है, इन दोनों के बीच की दूरी पर डिपेंड करता है, पक्की बात एकदम। और सुन, ये वाला चार्ज भी क्या बोलेगा कि तू भी भाग जा, क्या बोलेगा कि तू भाग जा। और ध्यान सुन, ये वाला फोर्स किस पर डिपेंड करने वाला है, इन दोनों के मैग्नीट्यूड पर, इन दोनों के बीच की दूरी पर। तो क्या दोनों ही केसेस में दोनों चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम था, क्या दोनों के बीच की दूरी सेम थी, तो ये दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट कैसा हो गया, जीरो हो गया, कैसा हो गया, जीरो हो गया। ऐसे ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को क्या बोलेगा कि तू भाग जा, क्या बोलेगा, तू भाग जा। और ये वाला चार्ज इस वाले को क्या बोलेगा कि तू भाग जा, पक्की बात सोच ले एकदम पक्की बात है। तो इन दोनों फोर्सेस का भी मैग्नीट्यूड कैसा होने वाला है, खत्म हो जाने वाला है। तो एफ नेट कैसा आ गया चार्ज पर, एफ नेट ऑन, एफ नेट ऑन किस पर, दिस चार्ज, क्या आया, अरे बोलो क्या आया, ये कितना आ गया, जीरो आ गया, क्या आ गया, ये जीरो आ गया। बोल पक्की बात, सोच ले, तुम घबरा तो नहीं गए हो, कतई नहीं घबराए। और सुन,
देख ध्यान से सुन, आजा इस सवाल को लिखो तुम, ठीक है, कॉपी में उतारना। देखो एक रेगुलर हेक्सागन बना रहा हूं मैं, क्या बना रहा हूं, एक रेगुलर हेक्सागन बना रहा हूं, पक्की बात। आओ सुनो, देख ये बनाया मैंने क्या, एक रेगुलर हेक्सागन, और मैंने बोला कि ये उसकी साइड है, एक साइड ए, तुम जानते हो ना रेगुलर हेक्सागन की सारी साइड बराबर होती हैं, पक्की बात है। और सुन मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि हर एक साइड पर जो चार्जेस हैं वो ऐसे हैं, क्या हैं, क्यू 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 और ये क्यू, पक्की बात। मैंने बोला कि रेगुलर हेक्सागन के सेंटर पर, रेगुलर हेक्सागन के सेंटर पर मैंने एक चार्ज रख दिया क्यू, ठीक है, घबराए तो नहीं हो, ऐसा क्यू मैंने रख दिया। मैंने बोला कि बता इस क्यू पर चार्ज कितना, इस क्यू पर फोर्स कितना, मैंने बोला कि बताओ एफ नेट ऑन दिस क्यू, ठीक है, चलो तुम ये सब उतारो एक बार ढंग से उतारो इसको, ठीक है, उसके बाद इस सवाल का आंसर मुझे ओरली बताओगे तुम, कमेंट करना नीचे किस किसने कर लिया था। चलो आओ उतारो इसको एक बार, चलो आ जाओ, सवाल उतारा था ना तुमने, मैंने क्या बनाया था, मैंने एक रेगुलर हेक्सागन बनाया था, मैंने क्या बनाया था, एक रेगुलर हेक्सागन बना दिया था, है ना, कुछ ऐसा बनाया था तुमको याद हो तो, है ना, ऐसे ही कुछ बनाया था, बोल पक्की बात है। आ जाओ चलो, ये थोड़ा सही सा नहीं बना बस, चलो ठीक है, काम चल जाएगा इसे। मैंने बोला था कि चल ऐसे क्या है, ऐसे कुछ चार्जेस हैं क्यू, है ना, ऐसे क्या है, कुछ चार्जेस हैं क्यू, और बीच में बीच क्या रखा हुआ है, चार्ज क्यू रखा हुआ है। मैंने तुमको एक साइड दे दी थी, मैंने बोला था ये साइड ए है, पक्की बात है, तुम जानते हो रेगुलर हेक्सागन की सारी साइड कैसी होती है, बराबर होती है, ठीक है। ऊपर उससे भी पहले देखो, मैं तुमको कुछ और इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहता हूं, ठीक है, मैं क्या बताना चाहता हूं ध्यान से सुन, तुमको मैं सिखाना चाहता हूं रेगुलर हेक्सागन की ज्योमेट्री कैसी होती है, क्या होती है, रेगुलर हेक्सागन की ज्योमेट्री कैसी होती है, ध्यान से देख, ध्यान से देख, ज्योमेट्री ऑफ रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, ज्योमेट्री ऑफ रेगुलर हेक्सागन, ओके, ध्यान से सुनना, तुमको अगर एक बार ये चीज समझ आएगी तो तुम कभी नहीं घबराओगे, पक्की बात है। आ जाओ सुनो, देख ध्यान से सुन, एक जो रेगुलर हेक्सागन होता है ना, वो बेसिकली कुछ ऐसा होता है, कैसा होता है, कुछ ऐसा, ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट चर्चा है ये, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुने, ठीक है, आ जाओ, कुछ ऐसा देखो, इसे बनते हुए समझ आएगा, सिर्फ यही देखना, यही देख, ध्यान से देख, ध्यान से देख, देखता रहे, ध्यान से सुनो। अब तुम अगर बहुत गौर से देखोगे तो तुमको पता चलेगा कि जो रेगुलर हेक्सागन था, जिसकी एक साइड ए थी, जिसकी एक साइड ए थी, वो बेसिकली छह ट्रायंगल से मिलकर बना है, किससे मिलकर बना है, छह ट्रायंगल से मिलकर बना है, ये देख, सीधी उल्टी, सीधी उल्टी, सीधी उल्टी, तो कितनी ट्रायंगल हुई, छह ट्रायंगल हुई, कितनी ट्रायंगल हो गई, छह ट्रायंगल होगी, और ये छह की छह ट्रायंगल भाई साहब इक्विलेटरल ट्रायंगल है, कैसी है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, माने कि सारे के सारे जो साइड होते हैं वो कैसे होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं, कैसे होने वाले हैं, बराबर होने वाले हैं, मतलब ये दूरी भी कितनी ए, 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 ये सारी की सारी कितनी ए ए ए ए, बोल पक्की बात एकदम। अब तुम घबराओगे नहीं एकदम रेगुलर हेक्सागन को देख के, चलो आ जाओ अब इस सवाल को ओरली कर देते हैं। सुनो ये वाला चार्ज इसको क्या बोलेगा कि तू भाग जा कुछ फोर्स लगाएगा, ये चार्ज बोलेगा तू भाग जा कुछ फोर्स लगाएगा, दोनों फोर्स आपस में खत्म, पक्की बात। ये फोर्स ये वाला चार्ज को बोलेगा तू भाग जा कुछ फोर्स लगाएगा, ये वाला चार्ज बोलेगा तू भाग जा फोर्स लगाएगा, फोर्स कैसे हो जाएंगे खत्म। ये वाला चार्ज को बोलेगा कि तू भाग जा कुछ फोर्स लगाएगा, है ना, ये वाला चार्ज को बोलेगा तू भाग जा कुछ फोर्स लगाएगा, दोनों फोर्स आपस में कैसे खत्म। तो एफ नेट कितना आ गया, एफ नेट कितना आ गया, जीरो आ गया, कितना आ गया, जीरो आ गया। मैं कैसे कर पाया, क्योंकि मुझे पता था कि ये सारे के सारी दूरियां कैसे आने वाली है, बराबर आने वाली है, और कितनी आने वाली, ए आने वाली, बराबर आने वाली है, तो बात आप ऐसे लॉजिक से भी बोल सकते थे, बट कितने आने वाली, ए आने वाली, बोल पक्की बात। क्या तुमको याद रह जाएगी ये चीज कि रेगुलर हेक्सागन में सारे के सारे जो साइड्स होते हैं, सारे के सारे जो दूरियां होती हैं, सेंटर से कैसी होती हैं, ए होती हैं, कितनी होती है, सेंटर से ए होती है, माने जो अपोजिट एंड हो गए इनके बीच की दूरी, देख कितनी हुई यहाँ पे, टू ए हो गई, ये दूरी कितनी है, टू ए है, बोल पक्की बात एकदम, कतई नहीं घबराओगे ना तुम, सोच लो ये टू ए हो गई, ये टू ए हो गई, ये टू ए हो गई, मुझे लगा ही नहीं तुम्हें आया यार, सोच लो एकदम पक्की बात है, कतई नहीं घबराए अभी तक तुम, चलो आओ सुनो, नहीं घबराए हो तो सुनो, ठीक है, घबराना मत, ओरली भी बोल सकते हो, अगर तुम्हारा दिमाग चलेगा तुम ओरली बोल दोगे, ठीक है। क्या बोला गया कि फिर से एक स्क्वायर है, क्या बोला गया कि फिर से एक स्क्वायर है, और स्क्वायर है भाई साहब साइड ए का, स्क्वायर है भाई साहब साइड ए का, फिर से एक चार्ज, फिर से एक चार्ज, फिर से एक चार्ज, और फिर से
एक चार्ज, और यहां पर भी एक चार्ज, यहां पर भी एक चार्ज। बोल पक्की बात, तुम नहीं घबराए हो अभी तक? सोच लो, कतई नहीं घबराए। मैंने बोला कि ये चार्ज नेगेटिव है, मैंने क्या बोला कि ये चार्ज नेगेटिव है ना, सारे के सारे बाकी चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज नेगेटिव है। तुमको बोला कि अब बता इस पर एफ नेट कितना आने वाला है, इस पर एफ नेट कितना आने वाला है, तो क्या तुम कर दोगे? ध्यान से सोच, ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को बोलेगा तू निकल ले, ये वाला चार्ज बोलेगा तू भी निकल ले, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा भाई साहब? नेट फोर्स कैसा हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। पर ये वाला चार्ज इस वाले चार्ज को बोलेगा कि तू निकल ले, तू निकल ले, तो कितना फोर्स लगाएगा? फोर्स लगाएगा, चल इसको F1 बोल देता हूं, हालांकि वो दोनों फोर्स बराबर आने वाले हैं, इसको मैं F1 बोल देता हूं, क्या K Q स्क्वायर और बाय इनके बीच की दूरी। तुम बताओगे ये वाली पूरी दूरी कितनी आती है? अंडर रूट टू ए कितनी आती है? ये वाली पूरी दूरी है ना, ये वाली पूरी दूरी है, ये वाली पूरी दूरी कितनी आती है? ये अंडर रूट टू ए, और अपन किसकी बात कर रहे हैं? इसके आधे की, तो इसके आधे की कितना हो गया? ए बाय रूट टू। बोल पक्की बात एकदम, तो इन दोनों के बीच की दूरी कितनी आ गई? ए बाय रूट टू, तो ये कितना आएगा? ए बाय रूट टू का स्क्वायर, तो ये आ गया ए बाय रूट टू का स्क्वायर। बोल पक्की बात कितना आ गया? टू ऊपर चला जाएगा, 2k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर। पक्की बात, ये वाला फोर्स लगा किस पर? इस वाले चार्ज पर, इसकी वजह से। पक्की बात, इस वाले ने क्या बोला कि तू भाग जा, ये वाला चार्ज क्या बोलेगा कि तू मेरी तरफ आ जा, क्या बोलेगा कि तू मेरी तरफ आ जा, और कितना ही फोर्स लगाएगा, कितना फोर्स लगाएगा? बोलो कितना फोर्स लगाएगा? k q स्क्वायर बाय a बाय रूट टू का स्क्वायर, तो ये कितना जाएगा फिर से? 2k q स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, तो एफ नेट कितना आएगा रे सन्नाटों? बोलो। कई लोग बोल रहे होंगे माइनस आना चाहिए था, यहाँ पर माइनस नहीं आएगा है ना। यहाँ पर जो चार्जेस रखे जाते हैं कैसे रखे जाते हैं? मैग्नीट्यूड में रखे जाते हैं। कैसे रखे जाते हैं? मैग्नीट्यूड में रखे जाते हैं। बोल पक्की बात एकदम, आओ सुनो, देखो ध्यान से, तो कितना आया ये दोनों का सम, क्या कितना आया? 4k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर, कितना आया? 4k q स्क्वायर बाय a स्क्वायर। मैंने सही करा है, लॉजिक सही है ना, देख लेना एक बार, कैलकुलेशन मैंने सही करी हो एकदम। पक्की बात है, और सुन लो, लो आ जाओ, और सुन लो, और सुनो, फिर से क्या बोला गया? ऐसा बोला गया क्या के बोला, चलो यार एक रेगुलर हेक्सागन है, ये क्या है? एक रेगुलर हेक्सागन है। मैंने बोला ठीक, कोई बात नहीं। मैंने बोला यहां पर क्यू, बोला ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्या प्रॉब्लम है? बोला यहां पर एक चार्ज रख दिया। मैंने बोला ठीक, अभी भी कोई दिक्कत नहीं। बोला अब बता इस चार्ज पर कितना फोर्स है, ये नीले वाले चार्ज पर एफ नेट कितना है? ऐसा बोला। मैंने कहा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम तो बता ही देंगे। कैसे बता देंगे? अरे सोच, ये वाला चार्ज को क्या बोलेगा? निकल ले। ये वाला चार्ज को क्या बोलेगा? तू निकल ले। खत्म। आया थोड़ी तुमको यार, एकदम पक्की बात, ये वाला चार्ज को क्या बोलेगा? निकल ले। ये वाला चार्ज के बोले तू निकल, तो कितना आया नेट फोर्स? जीरो। नेट फोर्स कितना अभी तक? जीरो। पर सुन अभी तक नेट फोर्स कितना इस चार्ज पर? जीरो है। पर ये वाला चार्ज जब इसको बोलेगा तू निकल ले, तो क्या इसका कोई अपोज करने वाला है? नहीं है। तो इस बॉडी पर, इस चार्ज पर, बेसिकली इस चार्ज पर नेट फोर्स कितना रह गया? जितना इसने लगाया। तो कितना आया? चलो कैलकुलेट कर दो, एफ नेट इक्वल टू क्या? के क्यू स्क्वायर डिवाइड बाय इनके बीच की दूरी का स्क्वायर। बोलो इनके बीच की दूरी अभी सिखाया था, कितनी आई थी? ए आई थी, तो कितना आया? ए स्क्वायर। तो कितना आ गया एफ नेट चार्ज पर? ए क्योंकि स्क्वायर बाय के स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। बोल पक्की बात एकदम, कतई नहीं घबराए तुम। चलो उतारो जरा एक बार इसको, आराम से उतारो। चलो आ जाओ यार, कंटिन्यू करते हैं। देखो यार, थोड़ा सा मुश्किल सवाल है, थोड़ा सा मुश्किल नहीं बोलूंगा मैं इसको, थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है। ओके, अच्छा सवाल है, ठीक है, तो घबराना मत बिल्कुल भी। मैं तो बोलता हूं कि एक बार जरा खुद से ट्राई करना, ठीक है। मैं क्या बोलता हूं कि एक बार जरा खुद से ट्राई करना, सवाल सुन के वीडियो को यहीं पॉज कर देना, ठीक है, और फिर खुद से ट्राई करना। मैंने क्या बोला कि घड़ी है, ये क्या है? घड़ी। सन्नाटों, घड़ी देखी है ना तुमने? गरीबों, घड़ी है ना तुम्हारे घर में? देखो आ जाओ, तो एक घड़ी है, ये दीवार घड़ी है। ओके, तो दीवार घड़ी है, तो दीवार घड़ी में तो 12 डिवीजन होते हैं, इसलिए मैं 12 इक्वल डिवीजन बना देता हूं, ठीक है। अच्छा सवाल है, बिल्कुल घबराना मत, ट्राई करना, जिससे हो जाएगा वो बहुत अच्छा चल रहा है अभी तक, है ना। तो कहां से शुरू होती है? मैंने बोला सिर्फ 12, ठीक है। मैं बोलता हूं कि जहां पर घड़ी के जो 12 डिवीजन है वहां पर देख इतने इतने कूलम चार्ज रखा है। देख 12 कूलम, मैंने बोला 1 कूलम, मैंने बोला 2 कूलम, मैंने बोला 3 कूलम, मैंने बोला 4 कूलम, मैंने बोला 5 कूलम, फिर 6 कूलम, फिर 7 कूलम, फिर 8 कूलम, फिर 9 कूलम, फिर 10 कूलम और फिर 11 कूलम। पक्की बात, मैंने बोला कि जो रेडियस है ना इसकी, इसकी जो है अपनी घड़ी है, इस घड़ी की जो रेडियस है बेसिकली वो है ए। कितनी है वो? ए है, ऐसे ये इसकी रेडियस हो गई। कोई बात नहीं साहब, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला इसके सेंटर पर, यहां पर 1 कूलम चार्ज रखा हुआ है,
कितना चार्ज रखा हुआ है, एक कूलम्ब चार्ज रखा हुआ है। मैंने बोला कि सारा का सारा जो सिस्टम है ये चार्जेस का, सारा का सारा जो चार्जेस का सिस्टम है उसकी वजह से इस एक कूलम्ब पर कितना फोर्स लगने वाला है वो बता, ठीक है। फोर्स, नेट फोर्स, बेसिकली नेट फोर्स ऑन वन कूलम्ब चार्ज ड्यू टू रेस्ट ऑफ द चार्जेस, ड्यू टू रेस्ट ऑफ द चार्जेस। ओके, पक्की बात है। चलो आओ कैलकुलेट करना, मुझे वेक्टोरियल फॉर्म में इसका रिजल्ट बताना कि फोर्स वेक्टोरियल फॉर्म में कितना आएगा, मतलब आईजेके के फॉर्म में कितना आने वाला, ठीक है। वीडियो को यहीं पे पॉज करो, ट्राई करो एक बार जरा खुद से, ठीक है। फिर मैं कराऊंगा, चीटिंग मत करना, खुद से ट्राई कर एक बार, सोच जरा कि मैंने क्या पूछा कि इस वाले कूलम्ब चार्ज, इस एक कूलम्ब चार्ज पर बाकी सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से कितना फोर्स आने वाला है, ठीक है। वीडियो को यहीं पर स्टॉप करो, चलो करो एक बार खुद से, देखो मैं करता हूं एक बार, देखो। आई होप तुमने वीडियो को स्टॉप किया होगा, खुद से सोचा होगा तुमने, है ना। देख ध्यान से सुन यार, लॉजिक सुनना तुम लोग, एक बार तुमको लॉजिक समझ आ गया तो तुम्हें सवाल कर दोगे यार, कुछ है ही नहीं सवाल के अंदर, एकदम लल्लू सवाल है, तुमको घबराने के लिए बताया गया बस ये। अरे सोच, ध्यान से सोच। देख इस एक कूलम्ब की स्थिति को जरा थोड़ा सा एनालाइज करते हैं, ओके। ध्यान से सोच, ये जो वन कूलम्ब चार्ज है ना, ये जो वन कूलम्ब चार्ज है, ये वाला वन कूलम्ब चार्ज इसको बोलेगा कि तू इस तरफ जा, पक्की बात। पर देख बिल्कुल अपोजिट में कौन रखा हुआ है, सात कूलम्ब चार्ज, पक्की बात। तो सात कूलम्ब चार्ज बढ़ा, क्या वन कूलम्ब चार्ज बढ़ा, सात कूलम्ब चार्ज बढ़ा, तो किसकी बात मानेगा, सात कूलम्भ चार्ज की बात बोलेगा। सात कूलम्भ चार्ज क्या कह रहा है, कि तू निकल ले भाई साहब यहां से, दिखाई मत दे यहां पे, तो सात कूलम्भ चार्ज की बात मान ली। तो नेट इफेक्टिव चार्ज इसके ऊपर कितना लगा, एक कूलम्भ चार्ज ने बोला इस तरफ, सात कूलम्भ चार्ज ने बोला इस तरफ, तो ये किधर गया, इस तरफ, और नेट कितने चार्ज से, सिक्स कूलम्भ चार्ज से। तो इफेक्टिव चार्ज कितना हुआ, सिक्स कूलम्भ चार्ज, वन कूलम्भ इस तरफ, सात कूलम्भ इस तरफ, इफेक्टिव चार्ज कितना, सात कूलम्भ चार्ज, इफेक्टिव कितना, छह कूलम्भ चार्ज, बेसिकली कितना आया, छह कूलम्भ चार्ज, बोल पक्की बात। तो ये छह कूलम्ब चार्ज से जितना फोर्स इसको एक्सपीरियंस करना था इस दिशा में, बेसिकली उससे निकल लेगा, कैसे निकल लेगा, ऐसे निकल लेगा, पक्की बात। ये कुछ ऐसा ही हो गया, ये कुछ ऐसा ही हो गया कि यहां पर एक छह कूलम्ब चार्ज रखा होता और वहां पर कुछ ना होता, तो जितना फोर्स लगेगा उतना ही फोर्स अभी भी इस चार्ज पर लग रहा है, पक्की बात। ये बात ध्यान से सुनना, जो तीन बार अभी मैं रिपीट करूंगा, आराम से, जब तक समझ नहीं आ रहा तब तक आगे मत बढ़ना। यहीं पर सुनो और सुन, और सुन, फिर सुन, फिर सुन, क्या बोला कि ये दो कूलम्ब चार्ज इस वाले वन कूलम्ब चार्ज को क्या बोलेगा कि भाई साहब तू जो है ना ऐसे निकल ले, तू ऐसे निकल ले। पर बिल्कुल अपोजिट में कौन बैठा है, आठ कूलम्ब चार्ज, और आठ कूलम्ब चार्ज बढ़ा के दो कूलम्ब चार्ज बढ़ा, आठ कूलम्ब चार्ज बढ़ा, तो ये किसकी बात मानेगा, आठ कूलम्ब चार्ज की बात मानेगा। तो दो कूलम्ब का चार्ज कह रहा है कि इस तरफ निकल, आठ कूलम्ब चार्ज कह रहा है कि इस तरफ निकल, तो किधर निकलेगा, ऐसे निकलेगा, किधर निकलेगा, ऐसे निकलेगा। और नेट चार्ज कितना, अभी भी छह कूलम्ब चार्ज, नेट चार्ज कितना, अभी भी छह कूलम्ब चार्ज। तो ये कुछ ऐसा ही हो गया कि मान लो यहां पर छह कूलम्ब चार्ज रखा होता और यहां पर कुछ ना होता, तो जितना फोर्स इस पर लगता उतना ही फोर्स अभी भी इस पर लग जाएगा और भाई साहब ऐसे निकल लेगा, एक फोर्स एफ के साथ, एक फोर्स एफ के साथ, पक्की बात। और सुन, और सुन, ये वाला तीन कूलम्ब चार्ज इसको वापस से कैसे बोलेगा कि तू ऐसे निकल ले, पर ये वाला नौ कूलम्ब चार्ज बोलेगा ऐसे निकल, और कितना इफेक्टिव चार्ज से निकल, छह कूलम्ब चार्ज। ये कुछ ऐसा ही हो गया कि यहां पर कुछ भी ना हो और यहां पर कितना रखा हो, छह कूलम्ब चार्ज रखा हो, कितना रखा हो, छह कूलम्ब चार्ज रखा हो, तो जितना फोर्स इस पर लगना चाहिए था उतना ही फोर्स भी अभी पर इस पर लगेगा, तो एफ फोर्स लगा, क्योंकि हर बार सेम, पक्की बात। और सुन, ये चार कूलम्ब चार्ज इसको क्या बोलेगा कि भाई साहब निकल ले, किधर निकल ले, ऐसे निकल ले। पर अपोजिट में कौन बैठा है, दस कूलम्ब चार्ज, दस कूलम्ब चार्ज क्या बोलेगा, भाई निकल ले यहां से, दिखाई मत दे, ठीक है। तो ये निकल लिया, ये निकल लिया कितने से, अगेन छह कूलम्ब चार्ज इफेक्टिव से, ठीक है। तो बेसिकली फोर्स देख, हर बार जो भी फोर्स आ रहा है, तो मुझे फोर्स क्या लिखना चाहिए था, मुझे फोर्स कुछ ऐसा लिखना चाहिए था, क्या ये फोर्स ऐसा लिखना चाहिए, के क्यू वन, ये रहा वन कूलम्ब चार्ज, और क्यू टू जो इफेक्टिव चार्ज है बेसिकली, तो कितना, सिक्स कूलम्ब चार्ज, और डिवाइड बाय दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर, तो मतलब ए का स्क्वायर। तो बेसिकली क्या आ गया फोर्स, ये फोर्स आ गया तुम्हारे पास, क्या आ गया, सिक्स के बाय ए स्क्वायर, कितना आ गया, 6k by a square। जब तक तुम कोई बात समझ नहीं आ जाए तुम आगे नहीं बढ़ोगे, क्योंकि इसके बाद सवाल में कुछ रह ही नहीं गया, इसके बाद सवाल खत्म हो चुका है, ठीक है। और सुन, और सुन, ये वाला पांच कूलम्ब चार्ज इसको बोलेगा तू निकल ले, क्या बोलेगा, तू निकल ले, ऐसे निकल ले। पर ये देख अपोजिट में कौन बैठा है, 11 कूलम्ब चार्ज, तो 11 कूलम्ब की मानेगा कि 5 की मानेगा, 11 कूलम्ब की मानेगा तो 11 कूलम्ब वाला बोलेगा चल बे ऐसे निकल, और इफेक्टिव चार्ज अभी भी कितना, 6 कूलम्ब चार्ज, पक्की बात, क्योंकि 5 ऐसे और 11 ऐसे, तो छह ऐसे, पक्की बात। सोच लो, ये देख ध्यान सुन, अगर एक चार्ज के इस तरफ पांच कूलम्ब चार्ज रख दूं, इस तरफ 11 कूलम्ब चार्ज रख दूं, तो ये कुछ ऐसा ही हो गया ना कि 6 कूलम्ब चार्ज यहां पर रखा हो, तो वो जितना फोर्स लगाए उतना ही फोर्स अभी भी सिस्टम इस पर लगा रहा है, बोल पक्की बात। तो अगेन वही एफ, सोच ले, एकदम पक्की बात है, सही से चल रहा है मामला अब तक, है ना। और सुन, और सुन, और सुन, ये वाला 6 कूलम्ब चार्ज को क्या बोलेगा, तू निकल ले, पर ये वाला 12 क्या बोलेगा, ऐसे निकल ले भाई, और अगेन वही 6 कूलम्ब चार्ज,
ये फोर्स आ गया, पक्की बात है। तो अब देखो तुम्हारे पास सिस्टम बेसिकली कैसा आ गया, मैं सिस्टम तुम्हारे पास ड्रॉ करके एक बार तुमको बताता हूं, ठीक है? एक बार तुमको सिस्टम समझ आएगा तुम्हारा काम खत्म। आओ सुनो जरा, तो तुम्हारे पास ये जो सिस्टम है बेसिकली कुछ ऐसा है, देखना जरा मैं सही ड्रॉ करूं, ध्यान से देखना, ये कुछ ऐसा है, ठीक है? मैं कुछ ऐसा ड्रॉ करता हूं इसको, कुछ ऐसा। तो एक यहां पर और एक यहां पर और एक यहां पर और एक यहां पर, पक्की बात है। और ये सारे कैसे हैं? FF हैं। ये कैसे हैं? सारे FF हैं, पक्की बात है। और इनके बीच का एंगल बताओ, तुम घड़ी के बीच का एंगल जानते हो ना, ये एंगल कितने होते हैं? सारे 30-30 डिग्री के एंगल होते हैं। कितने होते हैं ये? 30-30 डिग्री के एंगल होते हैं, पक्की बात है ना, इतना तो जानते हो तुम लोग, सन्नाटा है ना, ये 30-30 डिग्री के एंगल हो गए, कोई दिक्कत नहीं भाई, आ गया। सुनो, अब मुझे क्या करना है, बेसिकली मुझे इन सारे फोर्सेस का ही एफ नेट निकाल देना है। मुझे क्या करना है, इन सारे फोर्सेस का ही एफ नेट निकाल देना है। मेरे लिए कौन सी बड़ी बात है यार, है ना, पक्की बात है। तो बेसिकली मुझे एफ नेट निकालना है, तो मुझे एफ नेट ये निकालना है, बेसिकली मुझे क्या निकालना है, ये निकालना है एफ एक्स आई कैप प्लस एफ वाई जे कैप, माने फोर्स का वाई कंपोनेंट और फोर्स का एक्स कंपोनेंट, तो निकल ही जाएगा आराम से, क्या दिक्कत है। अरे सोच इस वाले एफ का इस तरफ एफ कॉस 30, पक्की बात सोच ले, और ऊपर की तरफ एफ साइन 30, इस वाले फोर्स का नीचे की तरफ एफ साइन 30, तो एफ साइन 30 के कंपोनेंट कैंसिल हो गए और एफ कॉस 30 के कंपोनेंट जुड़ गए। आया थोड़ी तुमको, एकदम पक्की बात, फिर सुन ले एक बार ये बात, ध्यान सुन। देख इस वाले फोर्स के लिए इस तरफ जो कंपोनेंट आने वाला है ये कितना है, बता। इस वाले एक्सिस का शेयर एंगल कितना है? 60 डिग्री का एंगल है, तो ये कितना आया? एफ कॉस ऑफ 60। और इस वाले का इस तरफ कौन सा? एफ कॉस 60, तो 2f cos 60। पर इस वाले का ऊपर एफ साइन 60, नीचे एफ साइन 60, कैसे हो गए? कैंसिल हो गए, तो साइन 60 का कंपोनेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो ध्यान से सोच। तो बेसिकली मैंने क्या पाया, मैंने पाया कि एक्स में लगने वाले फोर्सेस कितने हैं, ये हैं, एक तो 2f cos 30, एक एफ और एक 2f cos 60, और वाई में लगने वाले फोर्स देख वाई में लगने वाले एक, कितना एक, वो भी कैसा नीचे की तरफ, तो एफ वाई पॉजिटिव के नेगेटिव, क्योंकि नीचे की तरफ है ना, माइनस जे कैप आ जाएगा बेसिकली, ठीक है? तो देखो बस मैंने क्या कर देना है, देख मेरे पास, देख एफ एक्स के नाम पर क्या आ गया, मेरे पास एफ एक्स के नाम पर ये है, क्या है? एफ प्लस 2f cos 30 प्लस 2f cos 60, ये है मेरे पास। चलो आ जाओ देख लो, एफ प्लस 2f cos 30, बोलो कितना आ गया? अंडर रूट 3/2 आ गया, पक्की बात है, मैंने सही करा यार, कुछ गलत तो नहीं करा अब तक। और सुन, प्लस 2f और cos 60 1/2, 2 ने 2 को मार दिया, इस 2 ने भी इस 2 को मार दिया, तो ये f आ गया यहां से कॉमन, एफ आगे यहां से कॉमन आ गया, पक्की बात है, सुन लो ध्यान से सुन लो, तो आगे 1 plus under root 3 plus 1, तो कितना आ गया? एफ इंटू 2 plus under root 3, सही करा है ना मैंने, एकदम पक्की बात है। सोच लो अब तक कुछ भी गलत तो नहीं कर रहा यार, सही चल रहा है मामला। और सुन, और एफ वाई के नाम पर मेरे पास क्या है? एफ वाई के नाम पर मेरे पास क्या है? बेसिकली ये है, क्या है? एफ ई है, कैसा है? एफ ई है। तो चलो लिख दो अब इसको, आ जाओ, तो मैंने क्या लिखा, एफ इंटू 2 plus under root 3, और कैसा? आई कैप प्लस एफ इंटू, अब बता जे कैप के माइनस जे कैप नीचे की तरफ है, तो माइनस जे कैप, तो बेसिकली क्या है यहां पे? माइनस आ गया, और ये जे कैप, और एफ की जगह पे क्या रख सकते हैं? एफ की जगह पे कहां गया ये रहा, पक्की बात है। तो देख यहां से तो एफ भी कॉमन निकाला जा सकता है बेसिकली, तो एफ नेट क्या आ गया? एफ नेट कैसा आ गया कैसा? ये रहा, देख एफ की जगह मैंने क्या लिखा, 6k/a², और अंदर क्या बचा? अंदर बचा ये क्या, 2 plus under root 3 into i cap minus j cap, ये आ गया तुम्हारा एफ नेट बेसिकली। तो बिल्कुल मुश्किल नहीं था, जिसने वेक्टर अच्छे से समझा हुआ है, जिसने हमारी वेक्टर वाली वीडियो जो देख के आया ना, उसके लिए सवाल मक्खन है एकदम, कुछ नहीं है उसके लिए, एकदम पक्की बात है। सोच लो, जब तक तुमको नहीं सवाल समझ आया, ये आगे मत बढ़ना, इससे तुम्हारे कई कंसेप्ट बनेंगे, बोल पक्की बात एकदम। चलो उतारो जरा एक बार इसको अच्छे से, आई होप अभी तक तुम लोगों ने अच्छे से समझा होगा सवाल को, है ना, वीडियो को पॉज करके उसको देख भी लिया होगा, अच्छे से नोट किया होगा, है ना। जब तक उस सवाल को नहीं आप लोगों को समझ आ जाए, तब तक आप लोग आगे नहीं बढ़े, ठीक है? उस सवाल को करने से आपके कई कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, है ना। और सुनो जरा, थोड़े से स्टाइल चेंज करता हूं, देखना सवाल सुनना एक बार जरा, इस सवाल को करके भी तुम लोग थोड़ा सा मैथमेटिक्स करना सीख जाओगे, है ना। नॉन मेडिकल वालों के लिए कोई टेंशन वाली बात नहीं, बट जो मेडिकल वाले हैं वो भी बहुत सवाल से इससे सीखेंगे, ठीक है? देख जरा एक बार ध्यान सुनो, मैंने क्या बोला कि चल यार ये अपना ओरिजिन है और ये अपनी नंबर लाइन है, ये क्या है? अपनी नंबर लाइन है, ओरिजिन है ये, पक्की बात, ध्यान सुनो। मैंने बोला चल ये मैंने मार्क कर दिया यहां पर 1 meter, ये मैंने मार्क कर दिया 2 meter, ये मैंने मार्क कर दिया कितना 3 meter, और ऐसे 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 करता करता मैं कहां तक चला गया, मैं ऐसे ऐसे करता करता चला गया 10 meter तक, कहां तक चला गया
10 मीटर तक। पक्की बात, और सुनो मैंने बोला कि यहां पर 1 मीटर पर मैंने 1 कूलम चार्ज रख दिया, कितना चार्ज रख दिया 1 कूलम चार्ज रख दिया, और 2 मीटर पर मैंने 8 कूलम चार्ज रख दिया, 3 मीटर पर मैंने 27 कूलम चार्ज रख दिया, ऐसे ही मैंने 10 मीटर पर मैंने 1000 कूलम चार्ज रख दिया, कितना रख दिया 1000 कूलम चार्ज रख दिया। तुमको बोले कि ये सिस्टम ऑफ चार्ज जो बना मेरे पास, ये क्या बना है, सिस्टम ऑफ चार्ज तो बना है, इस सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से ओरिजिन पर मैंने जो 1 कूलम चार्ज अब मैंने रखा है, इस 1 कूलम चार्ज पर आप क्या बताएं, इस 1 कूलम चार्ज पर आप क्या बताएं, फोर्स बताएं, क्या बताएं, इस 1 कूलम चार्ज पर फोर्स बताएं, क्या तुम बता सकते हो, चलो करो एक बार, खुद से करना है इसको, ठीक है, खुद से करना है इसको, पक्की बात एकदम खुद से करना, ऐसे नहीं वीडियो को आगे रोक मत बढ़ाना इसको, यहीं पे वीडियो को रोको और करो एक बार, जरा खुद से सोचो एक बार, जरा ठीक है, लिखो जरा एक बार, बहुत आसान है, तुम लोग कर लोगे, आओ सुनो जरा, आई होप तुमने रोका होगा यार उसको, ठीक है, देखो तो मैं एफ नेट अगर लिखना चाहूं इस पर, तो मुझे एफ नेट कैसे लिखना चाहिए, मुझे एफ नेट ऐसे लिखना चाहिए, कैसा कैसा, ऐसा, एफ नेट इज इक्वल टू, देख पहले चार्ज की वजह से के और क्यू स्क्वायर मतलब कितना, के इंटू 1 का स्क्वायर बाय दूरी का स्क्वायर, बाय कितना, दूरी का स्क्वायर, बोल पक्की बात, प्लस के इंटू, ध्यान से सुन स्क्वायर इसीलिए किया ना क्योंकि दोनों बराबर चार्ज आ गए थे, तो क्या करूं, के इंटू क्यू 1 इंटू क्यू 2 बाय आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कितना, दूरी का स्क्वायर, बोल पक्की बात यार, अभी तक नहीं घबराए तुम, सोच लो, इसी तरह से क्या, के इंटू कितना चार्ज, 9 कूलम चार्ज, है ना, और इंटू 1 कूलम चार्ज, तो इसको लिखने की जरूरत है नहीं यार, है ना, नीचे कितना आया, 3 कूलम, 3 स्क्वायर, ऐसे ऐसे करते करते कहां तक पहुंच गए तुम, के इंटू 1 इंटू 1000 कूलम और डिवाइड बाय 10 का स्क्वायर, बोल पक्की बात, ये क्या है, स्क्वायर, ठीक है, तो अब देखो, अब सुनो क्या रह गया सवाल में, खत्म हो गया ये तो, पक्की बात है, देख के तो कॉमन आ रहा है, के को कॉमन निकाल, अंदर क्या बचा, 1 प्लस यहां पर क्या बचा, देख नीचे 4 है ऊपर 8 है, तो कितना बचा, 2 प्लस नीचे 9 बाकी मैंने सही करा ना यार, दो चार और ये रहा, ठीक है, तो ये कितना था, अच्छा ये 27 था, मैंने गलत लिखा यहां पर, ये 27 था, कितना था, ये 27 था, ये तो नीचे 9 है ऊपर 27 है, कितना बचा, 3 बचा, प्लस और प्लस 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 करते 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 यहां तक आए, यहां पर नीचे 100 है और ऊपर कितना है, 1000 है, तो यहां कितना बचा, 10 बचा, यहां कितना बचा, 10 बचा, तो देखो तुम्हारे पास ये क्या सीक्वेंस बना हुआ है, 1+2+3+2+2 कहां तक, 10 तक, तो चाहो तो तुम इसको ऐसे सॉल्व करके लिख दो, ठीक है, बट मेरे को तो पता है कि ये क्या बन गई है, एक एपी बन गई है, क्या बन गई, एक एपी बन गई, और एपी का सम तो तुम लिखना जानते ही हो, एपी का सम तो तुम लिखना जानते ही हो, क्या लिखा जाता है, एन इंटू एन प्लस 1, ऐसे ही लिखा जाता है, कुछ और लिखा जाता है यार, n into n plus 1 divided by 2, कैसे लिखा जाता है, n into n plus 1 divided by 2, पक्की बात है, मैंने सही से लिख रहा है यार, एकदम सोच लो, अच्छा सुनो, और यहाँ पे n क्या होती है, n होती है फाइनल टर्म, n क्या होती है, फाइनल टर्म, तो फाइनल टर्म रखो, ये देखो कितना आया, 10 into 11 बटा 2, तो ये कितना आ गया, 5, तो सम कितना आ गया इसका, सम कितना आ गया, 55, सम कितना आ गया, 55, तो मेरे पास फोर्स कितना आया, मेरे पास एफ नेट कितना आ गया, मेरे पास एफ नेट आ गया 55 k, कितना आ गया, 55 के, बोल पक्की बात एकदम, तुम घबराए तो नहीं हो ना अभी तक, चलो सुनो एक सवाल और सुनो, अच्छा सवाल है, बिल्कुल इसी के जैसा है, थोड़ा सा सीक्वेंस अलग बनेगा उसके अंदर, और मैं कुछ सिखाना चाहता हूं इस सवाल को करने के बाद तुमको, ठीक है, सही करना, देखो सुनो, आ जाओ वापस से मेरी नंबर लाइन, और यहां पर मैंने बोला चल मैंने 1 मीटर मार्क कर दिया, यहां पर मैंने 2 मीटर मार्क कर दिया, यहां पर मैंने 3 मीटर मार्क कर दिया, और करता 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 मैं इनफाइनाइट तक ले गया, ठीक है, अभी इनफाइनाइट तक जा रही है सीरीज, पहले देख टर्मिनेट हो गई थी, अब इनफाइनाइट तक जा रही है, ठीक है, मैंने बोला चल 1 मीटर पर मैं 1 कूलम चार्ज रख देता हूं, कितना रख देता हूं, 1 कूलम चार्ज रख देता हूं, 2 मीटर पर मैं -2 कूलम चार्ज रख देता हूं, कितना रख देता हूं, -2 कूलम चार्ज रख देता हूं, ऐसे 3 मीटर पर मैं 3 कूलम चार्ज रख देता हूं, ओके, ऐसे 4 मीटर पर मैं -4 कूलम चार्ज रख देता हूं, इस तरह से, ठीक है, और तुमको बोला गया कि मैंने क्या रख दिया, मैंने ओरिजिन पर एक 1 कूलम चार्ज रख दिया है, अब इस 1 कूलम चार्ज पर इस बाकी सिस्टम ऑफ चार्ज की वजह से कितना फोर्स आने वाला है, ये तुमको बताना है, बोल पक्की बात, तुम बता दोगे, ठीक है, फाइंड द फोर्स ऑन 1 कूलम चार्ज प्लेस्ड ऑन द ओरिजिन ड्यू टू द सिस्टम ऑफ चार्जेस, सही करना, गलत मत करना, ठीक है, चलो आ जाओ, नॉन मेडिकल वालों सही करना, मेडिकल वालों तुम इसे करोगे खुद से, ठीक है, अगर हो जाए तो बहुत अच्छा, नहीं हो जाए तो फिर मैं भी कराता हूं, ठीक है, जरा उतार एक बार इसको, फिर सवाल के स्टेटमेंट उतार, फिर मैं कराता हूं इसको, चलो उतारो एक बार,
चलो आ जाओ देखो जरा एक बार, ऐसा ही सवाल था ना अपना, बिल्कुल देखो मैंने उसको मिटाया नहीं, बाकी सब मैंने मिटा दिया है। आ जाओ सुनो, देख ध्यान सुन, तो ये अपना सवाल था ठीक है, ओरिजिन पे कितना रखा हुआ है, एक कूलम चार्ज रखा हुआ है, एक मीटर पर एक कूलम, दो मीटर पर माइनस दो कूलम, तीन मीटर पर तीन कूलम, चार मीटर पर माइनस चार कूलम, और सीरीज कहां तक जा रही है, इनफाइनाइट तक जा रही है ठीक है। अरे सुनो जरा, मेरे को एफनेट लिखना है ना, एफनेट लिखने का वही तरीका, उसमें कुछ जादू तो है नहीं, तो लिखो जरा एफनेट, लिखो एफनेट, मैंने लिखा क्या लिखा देख, के क्यू वन वन क्यू टू वन और डिवाइड बाय उनके दूरी का स्क्वायर, तो वो भी वन का स्क्वायर, बोल पक्की बात, कतई नहीं घबराए। और सुन, प्लस मैंने क्या लिखा, प्लस मैंने लिखा के, और दूसरा चार्ज, पहला चार्ज कितना लिखा वन कूलम, पहला चार्ज मैंने कितना लिखा वन कूलम, दूसरा चार्ज क्या लिखा माइनस टू कूलम, और डिवाइड बाय उनके बीच की दूरी का स्क्वायर, तो कितना दो का स्क्वायर, तो कितना आ गया, पर चल इसका दो को स्क्वायर ऐसे लिख लेता हूं। ऐसे ही तीसरी टर्म लिखो, के इंटू वन कूलम और इंटू क्या, बोलो बोलो बोलो, थ्री कूलम डिवाइडेड बाय ब्रिवेट भाई, बोलो बोलो बोलो, थ्री का स्क्वायर। कई लोग बोल रहे होंगे सर पहले आपने बोला था माइनस नहीं आता है, यहाँ पर आराम से माइनस लगा रहे हो, तो सोचो तुम है ना, सोचो इसका जवाब, सोचो मैं यहाँ पर क्यों ऐसे माइनस लिख रहा हूँ, मैं पहले नहीं लिख रहा था यार, अब सोचो मैं क्यों माइनस लिख रहा हूँ। और जिसको भी जवाब आ जाए वो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ठीक है, नहीं आए तभी भी कमेंट करना, मैं जवाब दूंगा उसका, पर सोचना जरूर ठीक है। और सीरीज कहाँ तक जा रही है हमारी, सीरीज कहाँ तक जा रही है, सीरीज जा रही है देख, और सुन और सुन, एक टर्म और लिख दे, ये लिख के इंटू वन कूलम और माइनस फोर कूलम डिवाइड बाय फोर का स्क्वायर, और अप टू कहां तक जा रही है सीरीज, इनफाइनाइट तक जा रही है, बोल पक्की बात एकदम, तुम घबराए नहीं हो ना अभी तक, सोच लो। अच्छा देख यहां से सुन, देख के तो कॉमन आ गया, ये क्या बना वन, और देख ये क्या बना यहां नीचे, ये देख क्या बना नीचे, माइनस टू ऊपर है और ये नीचे फोर है, तो ये क्या बना माइनस वन बाय टू, ऐसे यहां पर देख क्या बना, ये बना प्लस वन बाय थ्री, और ये क्या बना माइनस वन बाय फोर, और ये बना प्लस, और अप टू कहां तक जा रहा है सीरीज, इनफाइनाइट तक जा रहा है, कहां जा रहा है सीरीज, इनफाइनाइट तक जा रहा है ठीक है। अब इतना करके सवाल को भूल जाओ, अब इतना करके सवाल को भूल जाओ, और जरा यहां सुन ध्यान से सुनो, ये सवाल करके मैं तुमको यही सिखाना चाहता था, तो ध्यान से सुन, एक सीरीज होती है बहुत फेमस सीरीज है, ये सीरीज है नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस एक्स की, ये सीरीज है किसकी, नेचुरल लॉग ऑफ वन प्लस एक्स की, जो कि ये कहती है कि इसका जो एक्सपेंशन आने वाला है, जो सीरीज आने वाली है, ये ऐसे ही आती है, क्या आती है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस एक्स की क्यूब बाय थ्री माइनस एक्स की फोर बाय फोर प्लस एक्स की पावर फाइव बाय फाइव, और अब तो कहां तक जाना है आपको, इनफाइनाइट तक जाना है, बोल पक्की बात, क्या तुमको ये सीरीज समझ आई है, ये बिल्कुल ऐसी कैसी तुमको सीरीज याद रखनी पड़ेगी, क्योंकि फिजिक्स में बहुत जगह इसका यूज आता है ठीक है। इसका एक्सपेंशन बिल्कुल इजीली किया जा सकता है, तुमको ऐसा कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, जो मैं तुमको टेलर सीरीज का एक्सपेंशन वगैरह बताऊंगा, हालांकि वो जेई के कोर्स में ऐसा है नहीं सीधा, नीट के कोर्स में है नहीं सीधा, इसीलिए हम लोग नहीं कर रहे उसको ठीक है। ये जो टेलर सीरीज के एक्सपेंशन से बिल्कुल सीधा का सीधा सीरीज आता है, कोई टेंशन वाली बात है नहीं ठीक है। तो सुनो, ये वाली सीरीज जो कहती है, ये कुछ ऐसा कहती है ठीक है, कुछ ऐसा कहती है ठीक है, पक्की बात। अच्छा सोच, अगर इस सीरीज में अगर मैं x की जगह पे 1 रख दूं, तो अगर इस जगह पे 1 रख दूं, तो क्या मिला, नेचुरल लॉग ऑफ 2 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय 2 प्लस 1 बाय 3 माइनस 1 बाय 4 प्लस 1 बाय 5 अप टू कहां तक जा रहा है, वो कहां तक जा रहा है, अप टू इनफाइनाइट तक जा रहा है। देख क्या ये सीरीज मेरी सीरीज को मैच करती है, क्या ये सीरीज मेरी सीरीज को मैच करती है, हाँ जी बिल्कुल मैच करती है। तो इस पूरे सीरीज की जगह पे, इस पूरे सीरीज की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, नेचुरल लॉग ऑफ 2 तो लिखा ही जा सकता है, बोल पक्की बात, इस पूरे सीरीज की जगह पे क्या लिखा जा सकता है, नेचुरल लॉग ऑफ 2 लिखा जा सकता है। तो ध्यान से देख एफ नेट कितना आ गया, एफ नेट कितना आ गया है, तो बहुत आसान हो गया, एफ नेट कितना कितना आ गया, देख ध्यान सुन, सीधा सीधा क्या आ गया, ये तो के क्या आ गया, सीधा सीधा के और क्या ln 2, क्या आया के ln 2, बोल पक्की बात, तुम घबराए नहीं हो, सोच लो ये आ गया के ln 2 ठीक है, पक्की बात है, सवाल तुमको समझ आया है। इसमें जो सीखने वाली चीज थी वो क्या थी, ये सीरीज थी, जो कि तुमको याद करनी है ऐसी की ऐसी, बोल पक्की बात, चलो उतारो इसको, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, ओके बाय टाटा।